ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, नित्योर्मां वितंगमय। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कॉमेडी पुस्तक की लाइव कक्षा संख्या 169 को पढ़ने जा रहे हैं, 169 को। आइएगा, हम निबंध पढ़ रहे हैं, निबंधों को पढ़ रहे हैं। दो निबंध हमने आपको पढ़ा दिए हैं, आज हम तीसरा निबंध पढ़ेंगे। निबंधों में आप बहुत रुचि ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको सीखने को मिल रहा है, आपको स्वाध्याय की दृष्टि से भी नई नई बातें आपको ज्ञात होंगी और साथ साथ में संस्कृत भाषा का अभ्यास भी होगा। निबंध किस प्रकार से लिखे जाते हैं ये भी आपको सीखने को मिल रहा है। मित्रों, इतना सब कुछ मिलने के बावजूद आपको कुछ देना भी चाहिए, आप ज्ञान के महान भंडार से जुड़ चुके हैं, परंतु इस ज्ञान के महान भंडार को संचालित करने के लिए और महान भंडार को और परम महान भंडार बनाने के लिए मित्रों हमें बहुत कार्य करना है। यह कार्य आपके सहयोग से ही किया जा सकता है। मित्रों, आप सभी मेरे प्रिय पाठकों, आप इस अभियान में मासिक सदस्य बन जाइएगा। जो भी आपका सामर्थ्य बन पड़ता है उतने से प्रति माह हमें आप सहयोग करते रहिएगा, जिससे हम निश्चिंत होकर के इस कार्य को और अधिक से अधिक करें। हमें इस कार्यक्रम को चलाने के लिए धन के विषय में सोचना ना पड़े, इतना आप हमको समर्थवान बना दीजिएगा। विस्तार तो बहुत करना है इस कार्य का, और भी हमारे लोग जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, कोई समर्थवान व्यक्ति जुड़ेंगे तो वो अधिक सहयोग करेंगे, आप भी करवाइएगा मित्रों। तो आप मित्रों अपना स्वेच्छा पूर्वक हमें अपना सहयोग प्रति माह भेजते रहिएगा, जिससे इस व्यवस्था को मैं सुचारू रूप से चला सकूं। मैंने ये बार बार आपको बताता हूं कि मैं कहीं जॉब नहीं करता, मैं कुछ दूसरा कार्य नहीं करता हूं, केवल आपके लिए यही यूट्यूब चैनल पर कोर्सेस तैयार करता हूं, और वो भी निःशुल्क अभियान। आप देखते होंगे इस प्रकार के कोर्सेस आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल सकते। चलिएगा मित्रों, ये अकाउंट नंबर दिया गया है, सभी गतिविधियां इसी अकाउंट से संचालित की जा रही हैं, आप अपना सहयोग अवश्य दीजिएगा। मित्रों, आप अपने आप को दरिद्र मत मानिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप अपने आप को ऐसा दरिद्र मत मानिएगा कि आपके पास पैसा नहीं है। दुनिया में सबके पास में पैसा है, थोड़ा या ज्यादा होता है, परंतु आप 100% इस कार्यक्रम में अपना योगदान दीजिएगा, अपना सहभागिता निभाइएगा, इस ज्ञान प्रचार प्रसार में सहयोगी बनिएगा। जितना भी आपका सामर्थ्य बनता है, हम ये नहीं कहते हैं, ठीक है, आप जितने लायक हैं उतना अवश्य कीजिएगा, ठीक है, आप अधिक के लायक हैं तो अधिक कीजिएगा, क्योंकि तो ज्ञान का कार्य हो रहा है, यहाँ पर कोई भंडारा तो चल नहीं रहा है, ठीक है, हम ज्ञान का भंडारा चला रहे हैं, ज्ञान के भंडारों से आप सभी की आत्मा की तृप्ति कर रहे हैं, ठीक है, चलिएगा। तो इस ज्ञान के भंडारे में आप अपना योगदान अवश्य दीजिएगा मित्रों। चलिएगा, अब हम निबंध पढ़ते हैं, तीसरा निबंध है हमारा, दो निबंध पढ़ लिए हमने, आज हमारा तीसरा निबंध है, बहुत विशेष निबंध है, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है।
अहिंसा परमो धर्मः, क्या निबंध है? अहिंसा परमो धर्मः, बहुत प्रसिद्ध है अहिंसा मित्रों। थोड़ा सा आज हम और इस पर साथ साथ में इसको पढ़ते पढ़ते चिंतन भी कर लेंगे आपस में कि अहिंसा परमो धर्मः कैसे महान सिद्धांत है। तीसरा निबंध है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम माने सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा विषयक बातें इसमें बताई जाएंगी, मुख्य रूप से अहिंसा पर फोकस किया जाएगा, अहिंसा के लाभ हानि बताए जाएंगे, ठीक है। और शास्त्रों में अहिंसा के बारे में क्या कहा गया है वो भी कुछ यहाँ पर उद्धरण प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर कपिल देव महाराज जी। चलिएगा, पहले प्रस्तावना होगी इसमें, फिर नंबर दो पर अहिंसा या उपयोगिता लाभाश्च दृष्टांता होंगे, दृष्टांत दिए जाएंगे। चौथा अहिंसा या हिंसा या दोषा, हिंसा के दोष। और उपसंहार माने उसका सार। अहिंसा की हानि तो हो नहीं सकती वास्तव में, इसलिए हानि किसकी हो सकती है? अहिंसा की। तो अहिंसा के दोष है, अहिंसा की हानि नहीं होती है, ठीक है। अहिंसा के हमेशा लाभ ही होते हैं, कुछ लोग ठीक से नहीं जानते हैं इसलिए वो बिना जानकारी के अहिंसा से हानि कर बैठे हैं, तो अहिंसा का तो दोष नहीं है, अहिंसा का तो दोष नहीं है, दोष तो अपनी अल्पज्ञता का है, ठीक है, अपनी अज्ञानता का है। चलिए आइएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक लेख है। एक पेज में मित्रों ऐसा मानिएगा कि गागर में सागर भरा हुआ है पूरा, ये गागर को जल में पूरा मानिएगा, सागर का पूरा जल समाया हुआ है, ऐसा लेख है। हिंसनम हिंसेति, हिंसा क्या होती है? हिंसनम, हिंसनम माने हिंसा करना, कष्ट देना, दुख देना, किसी को ताड़न करना, मारना, कूटना, पीटना, ये क्या है? हिंसा, हिंसनम हिंसा, हिंसन ही हिंसा कही जाती है, इति हिंसा इति। कस्यापि पीडनम दुखदानम वा हिंसेति कथ्यते, कहते हैं किसी भी किसी का भी किसी की भी पीडनम माने किसी का भी दुख कर पीड़ा देना, दुखदानम वा दुख देना हिंसा इति कथ्यते, हिंसा कहा जाता है। किसी प्राणी को आप दुख देते हैं, कोई भी प्राणी हो, कस्यापि का है मनुष्य ने कहा, चाहे मुर्गा हो, चाहे चींटी हो, कीट पतंगे हो, सर्प बिच्छू आदि हो, मच्छर आदि हो, ठीक है, चाहे बकरा हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे भैंस हो, चाहे भैंसा हो, चाहे सुअर हो, कोई भी हो, इसलिए कहा कस्यापि, किसी भी प्राणी अर्थ आएगा यहाँ पर, ठीक है, किसी भी प्राणी को पीड़न माने दुख पीड़ा देना, दुखदानम दुख देना, वा एक ही बात है, हिंसा इति कथ्यते, हिंसा कहा जाता है, ये हमारे ऋषियों ने ऐसा कहा है। हिंसा त्रिविधा भवति, अब हिंसा के भेद बता रहे हैं कि हिंसा को हम तीन भागों में बांटते हैं हमारे ऋषियों ने, हमारे दार्शनिकों ने हिंसा को, अहिंसा ने हिंसा को तीन भागों में बांटा गया है, तीन उसके भेद कर दिए हैं, मनसा वाचा कर्मणा च। हिंसा तीन प्रकार से होती है, एक तो मन से भी हिंसा कर लेते हैं, मानसिक हिंसा, मानसिक हिंसा, और वाचा माने वाणी के द्वारा भी हम हिंसा करते हैं, और कर्मणा च, और कर्म माने एक्शन के द्वारा भी हिंसा करते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे मनसा कौन सी होती है, वाचा कौन सी होती है, कर्मणा कौन सी होती है। मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म से। मनुष्य यदि कस्यचित् जनस्य अशुभम हानिम वा चिंतयति सा मानसिकी हिंसा वर्तते, ध्यान दीजिए। मनुष्य माने मनुष्य, मनुष्य यदि
ये मनुष्य के लिए है, ये ध्यान देंगे। जो अहिंसा का पालन है मनुष्य के लिए है, ये शेर के लिए नहीं है, कुत्ता के लिए नहीं है, बिल्ली के लिए नहीं है, गाय बैल के लिए नहीं है। वो तो उनका जो स्वभाव वही करते हैं, उनका जो स्वभाव है वही करेंगे, उनके लिए हिंसा नहीं है, ध्यान देंगे। मनुष्य लिख रहे हैं साक्षात एकदम, नहीं तो आप ऐसा तर्क वितर्क करने लगे जी शेर खाता है मांस तो हम भी खाएंगे मांस, है तो शेर अहिंसा का पालन करता है हम भी अहिंसा का पालन करेंगे, ऐसा नहीं है। शेर का अपना स्वभाव है, वो ईश्वर के द्वारा वो एक योनि बनाई गई है, मांसाहार योनि, ठीक है। उस योनि वाले जो पशु हैं वो मांस खाएं उनको पाप नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए आप शेर की नकल नहीं करनी है आपको, खाने में शेर की नकल करें, और जब कहीं लड़ने की एक बात आ जाए तो पीछे को भाग जाएं, ऐसा नहीं है। आपको शेर की नकल करनी नहीं है, आप मनुष्य हैं, मैं मनुष्य हूं, तो मुझे मनुष्य की नकल करनी है। कौन से मनुष्य की नकल करनी है? जैसा मुझे चाहिए वैसा अच्छा बनना है तो अच्छे मनुष्यों की नकल करनी है, कॉपी करनी है, और यदि बुरा बनना है तो बुरे मनुष्यों के दुष्ट व्यक्तियों की कॉपी करनी है, नकल करनी है। तो यहाँ कहा महाराज जी ने, यदि मनुष्य, यदि मनुष्य, यदि कश्चित किसी जनस्य, माने किसी मनुष्य के जन्मन, मनुष्य के, मनुष्य की अशुभम माने अशुभ को अथवा हानि को चिंतयति, माने विचार करता है, सोचता है कि इसका नाश हो जाए, आज ये मर जाए, इसका घर गिर जाए, इसकी गाड़ी टूट जाए, ये गाड़ी कैसे ले आया दुष्ट, नहीं हम तो ऐसे ही रह गए, ठीक है। अथवा और भी इसका धन लुट जाए, चोर लुट जाए, इस प्रकार का अशुभ चिंतन किसी मनुष्य के विषय में करता है कोई व्यक्ति, तो सा मानसिकी, मानसिकी हिंसा वर्तते। ये कौन सी हिंसा है? मानसा माने मानसिकी हिंसा, मन से की गई हिंसा। यदि कठोर भाषणेन, कटु प्रलापेन, दुर्वचनेन, असत्य भाषणेन वा कमपि दुखितं करोति तर्हि सा वाचिकी हिंसा भवति। क्या कह रहे हैं? कहते हैं यदि कठोर भाषणेन, मैं कठोर तो जानते ही, एकदम टाइट बोलना, हाँ भाई इधर आ, इधर आ, किसी प्रांत के लोग ऐसे बोलते ही है, इधर आ, यहाँ उड़े बैठ जा, ठीक है, कठोर भाषण है, ठीक है। अंदर से तो प्रेम होता है पर भाषण क्या कठोर है, डांट करके तर्ज करके, कटु प्रलाप है ना, अथवा गाली आदि देना, कटु प्रलाप, गलत शब्दों का प्रयोग करके, दुर्वचन है ना, अथवा दुष्ट वचन बोल करके, असत्य भाषण है ना वा, अथवा झूठ करके, झूठ और किसी के साथ झूठ व्यवहार करना, असत्य, अनट्रुथ। तो काम अपी माने किसी भी मनुष्य को दुखितम करोती, दुखी करता है इन क्रियाओं, इन इस प्रकार से, तो वो तारी ही तब सा माने वह वाचिकी हिंसा भवती, वो वाचा माने वाणी से की हुई हिंसा होती है, माने वाचिकी हिंसा उसका नाम दिया है, ठीक है। यदि जना कस्यापि जीवनस्य, जीवस्य हननम करोती ताड़ादिना वा दुखम ददाती तरही सा काय की हिंसा भवती। और कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, मनुष्य कस्यापि, किसी जीव, अब आप किसी जीव को, कोई भी प्राणी हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे मछली हो, चाहे कबूतर हो, चाहे मोर हो, चाहे शेर हो, चाहे गाय बैल भैंस बकरी सुअर कुत्ता कुछ भी हो, तो कहते हैं कि जीव का हनन करता है, उसके प्राणों, उसको प्राणों को ले लेता है। क्रोती तो ताड़ादि ना माने ताड़ादि के द्वारा, अथवा उसको पीटता है, डंडे से पीट दे, डंडे से पीटना, लाठी से पीटना, तलवार से पीटना, एक गधे से पीट, गधा से पीटना, तो दुखम दाती है, दुख देता है पीट करके। सारे ही मैं तब सामान्य इस प्रकार की जो हुआ है वो काय की हिंसा होती है, शारीरिक हिंसा होती है, शरीर से किया जाने वाला जो एक्शन है वो क्या है, शारीरिक हिंसा। तीन प्रकार की हिंसा बता दी, मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा और शारीरिक काय की हिंसा, काय माने शरीर की।
एतासाम तिसृणाम हिंसानाम परित्यागो हिंसेति निगद्यते। कहते हैं कि एतासाम तिसृणाम इन तीन हिंसाओं का परित्याग माने छोड़ देना ही क्या है, अहिंसा इति निगद्यते, अहिंसा कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, अहिंसा के लिए कुछ करना नहीं होता क्या है, अहिंसा के लिए कुछ करना नहीं होता। अहिंसा किसी कार्यों को करने का नाम नहीं है, अहिंसा कुछ गलत कार्यों को छोड़ने का नाम है। अर्थात हिंसात्मक क्रियाओं को माने मानस की, वाच की, काय की, जो हिंसात्मक की क्रिया है उनको छोड़ने का नाम ही क्या है, अहिंसा। इसलिए अहिंसा के लिए आपको कुछ करना नहीं है, नहीं तो आप इसमें चक्कर में पड़ जाएंगे कि दान देना है अहिंसा के लिए, पैसे देने ठीक है, ये करना है, वो करना है, पूजा पाठ जप करना है, ध्यान करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। आपको हिंसा को छोड़ना है बस, हिंसा छूटी, अहिंसा अपने आप आ गई ठीक है, क्या हिंसा छूटी, अहिंसा अपने आप आ गई, अहिंसा कहीं। जैसे गंदगी को हटाने से अपने आप सफाई आ जाती है, सफाई लानी नहीं पड़ती है कहीं से, सफाई नहीं लाने लाते हैं कहीं, गंदगी हटा देते हैं सफाई अपने आप आ जाती है। वैसे अहिंसा को जीवन में से निकाल देते हैं तो अहिंसा आ जाती है अपने आप, और जब तक हिंसा रहती है तब तक अहिंसा के दर्शन भी नहीं होते हैं, तो दूर रहती है अहिंसा ठीक है। जैसे गंदगी होती है, गंदगी के पास में स्वच्छता कभी आ ही नहीं सकती, तो विरोध चलिएगा। आइए क्या कहते हैं महाराज जी, आगे देखते हैं। तो आइए, निगद्यते माने कही कही जाती है अहिंसा, संसारे हिंसाया महती उपयोगिता वर्तते। डॉक्टर कपिल देव महाराज जी कहते हैं कि संसार में अहिंसा की महती उपयोगिता माने बहुत बड़ी उपयोगिता माने आवश्यकता है। गवादी नाम पशु नाम यदि हननम न स्यात् तर्हि देशे धनधान्यस्य दुग्धादी नाम च न्यूनता न स्यात्, ठीक है। कहते हैं गवादी नाम पशु नाम, गौएं, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ये आदि जो भी प्राणी है, इन पशुओं का यदि हननम न स्यात्, यदि इनकी मृत्यु ना हो, कोई इनको मारे नहीं, तारीख तब देश में धन और धान्य दुग्ध आदि नाम च न्यूनता न स्यात्, दुग्ध आदि की न्यूनता नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। गाय को काट देते हैं लोग, भैंस को काट देते हैं, तो दूध कहाँ से आएगा फिर, ठीक है, तो दूध तभी आएगा, दूध की न्यूनता नहीं होगी, इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसया पशवोपि मनुष्येषु प्रेम कुर्वन्ति। कहते अहिंसा से जो पशु है, जो पशु है वो भी मनुष्यों में प्रेम करते हैं, मनुष्यों से प्रेम करते हैं। ये वीडियो में भी आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग हमने वीडियो में देखे हैं वर्तमान में अभी, कि वो शेरों के साथ खेल रहे हैं, चीते के साथ खेल रहे हैं, कई जो लेडीज होती हैं वो शेर चीते को पालती हैं, उनके साथ एकदम मिलकर हाथ उन पर चलाती हैं, उनको नहलाती हैं। हिंसक प्राणी भी उनसे प्रेम करने लग जाते हैं मनुष्य से, ठीक है। तो अहिंसा से, अहिंसा का उनके प्रति व्यवहार दिखाना होता है, ठीक है। कहते हैं शत्रुवोपि अहिंसया मित्राणि भवन्ति। शत्रु होते हैं वो भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। विद्वान शत्रु, मूर्ख शत्रु नहीं, विद्वान शत्रु। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, मूर्ख शत्रु और विद्वान शत्रु। और विद्वान शत्रु भी मूर्ख शत्रु तो नहीं, मूर्ख शत्रु तो कभी बनेगा ही नहीं मित्र, और बनाना भी नहीं चाहिए मूर्ख, मूर्ख शत्रु को अपना मित्र बनाना ही नहीं चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को, ठीक है। कहते हैं जो विद्वान शत्रु है वो भी हमारे अहिंसात्मक व्यवहार से कभी मित्र बन जाता है। मनुष्य से आत्मा भी अहिंसया सुखम अनुभवती। तो मनुष्य की आत्मा है वो भी क्या है,
अहिंसा के पालन से, मैंने हिंसा को जीवन में से निकाल देने से सुख का अनुभव करते हैं। हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, दया उत्पन्न होती है, करुणा उत्पन्न होती है, आनंद आता है, मन प्रसन्न होता है। देखो मैंने किसी की हिंसा नहीं की, मुझे पाप नहीं लगा, ठीक है, मैंने बकरा नहीं काटा, मैंने बकरी नहीं काटी, मैंने मुर्गा नहीं काटा, ठीक है। इस प्रकार से कितनी मन में प्रसन्नता होती है, ये वही व्यक्ति जान सकता है जो अहिंसा का पालन करता है। ठीक है, हिंसक व्यक्ति नहीं जान सकता है। हिंसक व्यक्ति के मन में तो हमेशा क्रूर भाव रहता है। तो मनुष्य की आत्मा भी अहिंसा के व्यवहार से सुख का अनुभव करती है। अहिंसायाः प्रतिष्ठायां सर्वे सर्वत्र स सुखम निर्भयम च विचरन्ति। अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर, मन अहिंसा का आचरण करने पर सभी लोग सर्वत्र माने हर जगह सुखम माने सुख पूर्वक और निर्भयम माने भय से रहित विचरन्ति माने घूमते हैं, डर नहीं रहता। भाई यदि हिंसक हो जाते हैं, हिंसक जो जहां पर जंगली प्राणी रहते हैं वहां डर लगता है, ऐसे ही यहां पर हिंसक लोग रहते हैं वहां पर भी जाने में डर लगता है। भाई कहीं मार दे, कहीं भी गर्दन काट दे, क्या भरोसा हिंसक प्राणियों का, हिंसक मनुष्यों का। परंतु जहां पर अहिंसा को मानने वाले होते हैं वहां पर कोई डर नहीं होता, एकदम आराम से घूमते हैं। अरे ये हमें तुम्हारे ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। बताइएगा, साधु संत के आश्रम में जाने से किसी को डर लगता है? किसी को डर नहीं लगता, क्योंकि साधु संत महात्मा अहिंसा का पालन करने का उपदेश देते हैं, अहिंसा अपनाते भी हैं और वहां आश्रम में भी अहिंसा दिखती है, तो वहां कोई डर नहीं लगता। और कसाई की दुकान पर जाएंगे, कसाई की मार्केट में जाएंगे तो वहां डर लगता है जी, जिसने ऐसे इसने काट दिए वैसे हो सकता है ये दुष्ट कहीं हमें भी ना काट दे, डर लगता है। आप देखते होंगे साक्षात, ठीक है। आप साधु सत्संग साधुओं के सत्संग में जाते होंगे तो वहां कोई डर नहीं लगता, कोई आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई मेरे को मार देगा, ठीक है। परंतु अन्य कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके आप समूह में जाएंगे तो डर लगता है कि भाई ये मार दे कहीं कुछ भी कर दो, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति हिंसक है। तो अहिंसक लोगों के साथ में रहने से कोई डर नहीं रहता है, आनंद की अनुभूति होती है, आराम से अपने जीवन का यापन होता है। एतत्तु सर्वैरनुभूयते एव यत न कोऽपि जगति स्वविनाशम् इच्छति। ध्यान दीजिएगा, अब उदाहरण दे रहे हैं। एतत्तु सर्वैरनुभूयते, यह बात तो सबके द्वारा संसार में अनुभव की जाती है, की जाती यत माने मान की ही जाती है, यत माने की, न कोऽपि माने कोई भी प्राणी जगत जगती में जगती मन जगत में संसार में स्वविनाशम न इच्छति, अपने नाश को नहीं चाहता है। कोई भी प्राणी नहीं चाहता है कि भाई मेरे को कोई मार दे, भाई मैं चाहता हूं कि मेरे को गर्दन काट दे, नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई हाथ काट दे, नहीं नहीं भाई मेरी गर्दन मेरा हाथ कोई ना काटे, ऐसा चाहते हैं सारे प्राणी। ऐसे आते कुत्ता बिल्ली चाहे कुछ भी हो, सब ऐसे ही चाहते हैं कि मेरे मुझे कोई काटे पीटे नहीं। पर एक मनुष्य दुष्ट है, वो काट देता है, है? जो हिंसक मनुष्य होता है वो काट देता है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनता ही नहीं है दुष्ट व्यक्ति, ठीक है। तो सर्वे जनाः सुखम इच्छन्ति, सभी लोग क्या चाहते हैं? सुख को चाहते हैं, कोई चाहे दुख को कोई नहीं चाहता संसार में। यदि एवमेव पशुपक्षिणां विषये चिन्तेत तर्हि न कस्यचित् हननं कश्चित् करिष्यति। अब अच्छी बात बताई महाराज जी ने, कहा यदि यदि एवमेव यानी इसी प्रकार ही पशुपक्षिणां विषये पशु पक्षियों के विषय में भी मनुष्य चिन्तेत सोचे तर्हि तब न कस्यचित् हननं, तब कोई व्यक्ति किसी का हनन माने मारेगा नहीं, नहीं मारेगा। भाई मैं ये सोचूं कि भाई जिस प्रकार से मेरी कोई गर्दन काटेगा तो मुझे पीड़ा होगी, कष्ट होगा जी, ऐसे ही मैं कोई बकरी आदि का कोई गर्दन काटेगा तो दुख होगा ना उसको, बकरी को भैंस को गाय को बैल को दुख होगा, तो मैं दुख नहीं चाहता हूं, वैसे वो भी नहीं चाहते। इस प्रकार का भाव जब मन में आएगा तो कोई ऐसा व्यक्ति उस सामने वाले पशु पक्षियों की हत्या नहीं करेगा।
इस भारतीय संस्कृति यही सिखाती है। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय अर्थात जो वैदिक साहित्य है, वैदिक संस्कृति है, वो हिंसा का पूरा विरोध करती है। किसी की भी हिंसा करने का उपदेश नहीं देती, किसी की भी हिंसा करने का उपदेश नहीं देती है जो वैदिक संस्कृति है। अभी बात करेंगे थोड़ा सा और। तो कहते हैं कोई प्राण, कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या नहीं करेगा पशु पक्षियों की यदि ऐसा विचार करने लगे तो। अतएव ऋषि भी महर्षि भी अहिंसा परमो धर्म इत्यंगीकृता। कहते हैं इसीलिए ही ऋषियों ने, महर्षियों ने अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है इति ऐसा अंगीकृत माने स्वीकार किया है। उच्चते च, यही स्वीकार किया। देखिएगा उच्चते च और कहा भी जाता है शास्त्र के अंदर, ये कई शास्त्र के उद्धरण दे रहे हैं प्रमाण रूप में अपनी बात को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, प्रामाणिक बनाने के लिए। शूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। ये महाभारत का है, महाभारत का तब का है जब भीष्म महाराज जी सरसैया पर पड़े हुए थे, तब युधिष्ठिर उनसे उपदेश लेने का गया था कि महाराज जी अब आप मरण सैया पर पड़े हुए, पता नहीं कब चल बसें, तो हम चाहते हैं कि आप बहुत बड़े हैं आयु में, आपके अनुभव भी ज्यादा हैं, तो कुछ उपदेश कर दीजिएगा। तब भीष्म पितामह ने सबसे पहले युधिष्ठिर को यही उपदेश किया था। क्या उपदेश किया था? शूयताम धर्म सर्वस्वम, हे युधिष्ठिर शूयताम माने सुनो, धर्म सर्वस्वम सारा धर्म सुनो। सारे धर्म को बताता हूं मुख्य रूप से क्या है धर्म का सार। धर्म सर्वस्व माने धर्म का सार। श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, और सुन करके, इस कान से सुन करके उसको आचरण में माने अवधार्यताम धारण भी करना है, इस कान से निकाल नहीं देना है, नहीं तो लोग सुनते तो बहुत हैं, सत्संग में जाते हैं और खूब सुनते हैं, गुरुजी ऐसे बोल रहे थे, महाराज जी ऐसे बोल रहे थे, ठीक है गलत काम नहीं करने चाहिए, और सत्संग से लौट करके तो सारी बात इस कान से निकालते रहे और फिर घर पर आकर के वही उल्टे काम, ठीक है। तो ये कह रहा है श्रुत्वा चैव अवधार्यता माने सुन करके धारण भी करना है, कान दूसरे कान से निकालना नहीं है भाई, आप भी मन निकालना, ठीक है। आत्मना प्रतिकूलानि, क्या बता रहे हैं? अब बता रहे हैं आप धर्म का सार यही है। आत्मना प्रतिकूलानि माने अपने प्रतिकूल माने हमें जो प्रतिकूल लगते हैं, हम जिसको नहीं चाहते हैं, जिस कष्ट को नहीं चाहते हैं, दुख को नहीं चाहते हैं, कहते हैं उन व्यवहारों को परेशान न समाचरित, दूसरे के साथ कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति मुझे गाली दे तो मुझे खराब लगता है, हैं? और मेरा सम्मान करे, मुझे मीठी मीठी बातें बोले, मेरी प्रशंसा करे, मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे भी चाहिए कि मैं ऐसी गाली आदि किसी को ना दूं जिससे किसी को कष्ट हो। मैं यही चाहूं कि हमें भी इसको अच्छे अच्छे वचन बोलूंगा, इसकी प्रशंसा करूंगा तो प्रसन्न होगा, यही चाहते, यही धर्म है। अर्थात हम ऐसा नहीं, ध्यान रखिएगा यहां पर ऐसा नहीं कहा गया, ये कहा गया है कि ऐसे अच्छे कर्म आत्मनः प्रतिकूलानि, या गहराई से भी समझना होगा। अब क्या है, कोई कहेगा जी शराबी को तो शराब अच्छी लगती है, वो दूसरे को भी शराब पिलाएगा, मांसाहारी को तो मांस अच्छा लगता है इसलिए वो कहेगा दूसरा भी मांस खा ले भाई अपने मित्र को, भाई तू भी खा ले, तेरे को अच्छा लगता है, मैं तेरे को भी खिलाना चाहता हूँ, तो ये धर्म हो जाएगा क्या? बहुत सारे लोग अज्ञानता के कारण से ऐसा ही अर्थ लगा लेते हैं। ये किसके कारण लगा लेते हैं? संस्कृत के ठीक प्रकार के पढ़ने न पढ़ने के कारण से। इसलिए तो हम कहते हैं संस्कृत पढ़नी चाहिए,
तभी आप संस्कृत के शास्त्रों की बातों को ठीक प्रकार से समझ सकेंगे। यहां ये कहा कि आत्मना प्रतिकूलानि, माने आत्मा के प्रतिकूल, आत्मा के प्रतिकूल का अर्थ ये होता है आत्मा की अवनति करने वाले कार्य। भाई प्रतिकूल जो कार्य होते हैं, प्रतिकूल जो विपरीत आचरण होते हैं, वो आत्मा की अवनति करते हैं। भाई शराब पीना, मांस खाना, अंडे खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये सारे क्या हैं? आत्मा के प्रतिकूल कार्य हैं, आत्म उन्नति के प्रतिकूल कार्य हैं। आत्मा को अच्छा लगने वाला ये अर्थ ऐसा नहीं कर लेना कि आत्मा को, वास्तव में आत्मा को जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तब हमें आत्म कल्याण के कार्य ही अच्छे लगते हैं और आत्म अवनति के कार्य प्रतिकूल लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोच लेना कि यहां पर भीष्म महाराज जी ने कह दिया है कि आत्मना प्रतिकूला नहीं, कि जो जो हमें अच्छा लगता है वो दूसरों के साथ भी करें। नहीं, आपके अच्छे लगने की बात नहीं है, आत्मा की अवनति के जो कार्य हैं वो दूसरों के साथ में हम ना करें, ये अर्थ है वास्तव में। अब आप कहेंगे ये अर्थ मैंने सुना है, कभी सुना ही नहीं, आपने सुना ही नहीं होगा। क्यों ये अर्थ आपको तभी आएगा जब आप इस श्लोक पर चिंतन करेंगे और संस्कृत के आप मास्टर होंगे। ठीक है, बिना संस्कृत के मास्टर की कैसे बात बनेगी? इसलिए हम आपको मास्टर बना रहे हैं। ठीक है, मास्टर माने आपको एक्सपर्ट बना रहे हैं। तो हमें आत्मा के प्रतिकूल जो कार्य हैं वो दूसरे के प्रति व्यवहार नहीं करने चाहिए भैया, यही धर्म है। ठीक है, यही धर्म है, और कहीं कुछ दूसरा धर्म नहीं है। वास्तव में असली धर्म तो यही है। देखिए वैदिक साहित्य यही धर्म बताता है। अब वर्तमान में बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं, लोग उन बुराइयों को अपने सिर पर लेकर के घूम रहे हैं, लोग अपने उन बुराइयों को लेकर के सिर पर घूम रहे हैं और बोल रहे हैं हम सत्य सनातनी हैं, हम सत्य सनातनी हैं, हम सत्य सनातन, और सत्य सनातन धर्म का जो शास्त्र है उनका उनको 0% भी नहीं मालूम, 0% भी नहीं मालूम, पर चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, समाज में असली और नकली, इन दो में से नकली चीज बहुत तेजी से चलती है, नकली चीज बहुत तेजी से चलती है और असली चीज थोड़ी धीरे चलती है। आपके पास में दो प्रकार के रुपए हैं, दो प्रकार के नोट हैं, एक असली नोट है एक नकली नोट है। आप कौन से नोट को पहले चलाना चाहेंगे, असली को या नकली को? नकली को चलाना चाहेंगे। अब वो नकली नोट जिसके पास पहुंच जाएगा वो भी उसको जल्दी से चलाना चाहेगा, भाई जल्दी चल जाए ये नोट। तो जो नकली होगा वो जल्दी जल्दी चलता रहेगा और जो असली होगा वो धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, तो जो नकली सत्य सनातन धर्म वर्तमान में फैल गया है वो बहुत तेजी से चलता जा रहा है, उसको हर लोग आगे आगे बढ़ाते हैं, और जो असली सत्य सनातन वैदिक धर्म है वो पीछे रह गया है यहाँ पे अभी। पर चिंता की बात नहीं है, नकली नोट एक दिन पकड़ा जाता है, नकली नोट हमेशा एक दिन पकड़ा जाता है और बंद, अंत में वो बंद हो जाता है, उसको लोग फाड़ के फेंक देते हैं, और असली नोट चलता तो धीरे है परंतु वो कभी बंद नहीं होता है, लोग उसको फाड़ते नहीं है, उसको ससम्मान पास में रखते हैं। ये मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप इस वर्तमान युग में नकली और असली धर्म की पहचान करके असली को धारण करें, नकली को छोड़ दें। नकली आपको लग रहा है तेज चल रहा है, नकली आपको लग रहा है तेज चल रहा है पर चलता नहीं वास्तव में तेज, वो धड़ाम सीधे गिर जाता है, शराबी होता है, शराब पी करके बहुत जल्दी जल्दी चलता है और एकदम गिर जाता है। और जो दूध पीने वाला व्यक्ति है वो चलेगा आराम से, चले धैर्यपूर्व चलेगा, बुद्धिपूर्व चलेगा, गिरेगा नहीं। घी खाने वाला व्यक्ति, ठीक है, तो इसलिए हमेशा क्या है, धर्म का सार यही है कि आत्मा के उन्नति के जो कार्य हम चाहते हैं, हमारी आत्मा चाहती है, वो ही आचरण वो ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। चलिएगा, और आगे कहते हैं प्रमाण के रूप में महाराज जी, आत्मा उपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः। ये एक लाइन ले लिए कहीं से, ठीक है,
कहते हैं आत्मउपमेन भूतेषु दयाम कुर्वन्ति साधु। भाई साधु लोग होते हैं माने श्रेष्ठ लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, ठीक है, ज्ञानी लोग होते हैं, वो क्या आत्मउपमेन भूतेषु अपनी आत्मा के समान दूसरे प्राणियों में भी आत्म तत्व को मान करके उनके ऊपर दया करते हैं। है? वो कहते हैं जैसे अंदर मेरे अंदर आत्मा वैसे इनके अंदर भी आत्मा, इनको भी कुछ करूंगा पीटूंगा, इनको कुछ करूंगा काटूंगा पीटूंगा, इनको भी दुख होगा जैसे मेरे को दुख होता है। इस प्रकार की भावना को करके वो सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। और क्या कहते हैं कि आत्मवत सर्वभूतेषु, ये भी एक अलग है, सभी प्राणियों में ऐसा ही भाव, सभी प्राणियों में भूत का अर्थ है प्राणी, सभी प्राणियों में आत्मवत माने अपनी आत्मा के समान यह पश्यति देखता है दूसरों में कि जैसे मेरे अंदर आत्मा है वैसे इसके अंदर भी आत्मा है जी, सब पश्यति वास्तव में वही व्यक्ति देखता है, अन्यथा तो अंधे हैं सारे। चलिएगा आगे आ जाते हैं। अहिंसैव धर्म मार्गः, और कहते हैं कि अहिंसा ही धर्म का मार्ग है, धर्म का मार्ग वास्तव में अहिंसा ही है, ये बात माननी पड़ेगी, आप कुछ भी मानिएगा परंतु हम इसी बात को मानेंगे कि अहिंसा ही वास्तव में धर्म का मार्ग है। अतएव भगवान बुद्धः, इसलिए ही भगवान बुद्ध महाराज जी, भगवान महावीर, भगवान महावीर जी, महात्मा गांधी महोदयश्च, और महात्मा गांधी जी हैं, गांधी जी जानते हैं आप सभी लोग, नोट पर छपे होते हैं, अहिंसाया एवोपदेशं दत्तवन्तः, अहिंसा के ही उपदेश को दत्तवन्तः माने दिए हैं, अहिंसा का ही उपदेश दिया है इन लोगों ने। अहिंसाया प्रचारे एवैतेषां जीवनं व्यतीतम्, अहिंसा के ही प्रचार, अहिंसा के प्रचार में ही इनका जीवन व्यतीत हुआ। महात्मा बुद्ध ने आजीवन अहिंसा का प्रचार किया, महात्मा महावीर ने, भगवान महावीर जी ने पूरे जीवन अहिंसा का प्रचार किया, और गांधी, महात्मा गांधी जी ने भी अहिंसा का ही प्रचार किया। महात्मनो गांधी महोदयस्य संरक्षणे अहिंसा शस्त्रेणैव भारतवर्षं पराधीनतापाशं छित्त्वा स्वतंत्रतामलभत। महात्मा गांधी महोदय के संरक्षण में माने उनकी देखरेख में अहिंसा शस्त्रेणैव, अहिंसा रूपी शस्त्र के द्वारा ही भारतवर्षं, भारतवर्ष को पराधीनतापाशं, जो पराधीन था है, पराधीन था उसको छित्त्वा, परिधा पराधीनता के पाशों को छित्त्वा माने काट करके स्वतंत्रता अलबत्त स्वतंत्रता को प्राप्त किया। माने महात्मा गांधी ने अहिंसा का आंदोलन चलाया था, उससे स्वतंत्रता मिली, और भी बहुत सारे कारण थे उसमें, ठीक है। तो यहां पर ये हमको देखने वाली बात है। चलिए, अहिंसा शस्त्रेणैव भीता विदेशीया भारतं त्यक्त्वा पलायिताः, कहते अहिंसा रूपी शस्त्र से के द्वारा ही भीता माने डरे हुए विदेशीया, विदेशी लोग अंग्रेज थे, वो भारत को छोड़ करके पलायिताः भाग गए। ठीक है, जैसी बात कह रहे हैं महाराज जी, ठीक है, पर वैसा उनको कई उनके लिए कारण पैदा हो गए थे, उसमें एक ये भी कारण था, और भी कारण थे, ऐसा नहीं है केवल अहिंसा ही कारण, अहिंसा ही का भी एक कारण था जिनके कारण से अंग्रेजों को जाना पड़ा, और भी बहुत सारे कारण थे, ठीक है। तो वो भी भारत को छोड़ करके पलायता भाग गए। एषो अहिंसाया एव महिमा अस्ति, यह एषो ने यह अहिंसा की ही महिमा है कि अंग्रेज भाग गए, ठीक है। चलिएगा, यदि संसारे हिंसाया प्रचार स्यात् तदा न कोपि मनुष्यो देशो वा संसारे सुखे सुखेन शांत्या च स्थातुं शक्नोति। और कहते हैं यदि संसार में हिंसा का प्रचार प्रसार हो जाए तदा तब न कोपि को न कोई भी मनुष्य, कोई न बाद में सबके साथ न, कोई भी मनुष्य अथवा कोई भी देश
संसार में सुख और शांति से ना नहीं स्थातु माने रहने के लिए माने स्थित होने के लिए शक्नोति माने कोई भी सुख और शांति से नहीं रह सकता है। सारे लोग हिंसक बन जाएंगे, मैं भी हिंसक बन जाऊं, आप भी हिंसक बन जाए, मैं आपको मारूं आप मेरे को मारेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, सत्यानाश हो जाएगा है? तो हिंसा उपाय नहीं है। और यदि मैं अहिंसक बन जाऊं, आप अहिंसक बन जाए, दुनिया अहिंसक बन जाए तो सब जगह सुख और शांति हो जाएगी, ये सिद्धांत है कि नहीं है। यदि सारे हिंसक बन जाते हैं तो अशांति फैल जाती है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और यदि सब जगह अहिंसा फैल जाती है तो सब जगह सुख शांति हो जाती है। अहिंसा को मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। हर व्यक्ति सुख और शांति को चाहता है, दुख और कष्ट को अशांति को कोई नहीं चाहता। हिंसया मनुष्य क्रूरा निर्दया सद्भावहीनश्च भवति। हिंसा से ही मनुष्य क्या क्रूर निर्दय और सद्भावहीन माने उसके अंदर दया आदि की भावना रहित वो बन जाता है, अर्थात कोई उसके अंदर दया आदि की भावना नहीं होती है। आहा, ये जो कसाई लोग हैं, हैं कसाई अर्थात जो पशु आदि पक्षी आदियों को काटते हैं, कितने क्रूर लोग होते हैं, उनको बिल्कुल भी दया नहीं आती है। उनका भी कोई ऐसे उनको भी काटे तो कितना दुख होगा उनको। हिंसके सत्यम त्याग तपस्या दया क्षमा प्रेम पवित्रता विमल बुद्धिश्च न भवन्ति। कहते हैं हिंसक, हिंसक प्राणी में सत्य नहीं होता है, त्याग नहीं होता है, तपस्या नहीं होती है, दया नहीं होती है, क्षमा नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है, पवित्रता नहीं होती है, और उसकी विमल बुद्धि भी नहीं होती है, कलुषित बुद्धि होती है उसकी, ध्यान रखेंगे। अतः सर्वैरपि सर्वदा सर्वभावेन हिंसा धर्मः पालनीयः लोकस्य च कल्याणं कर्तव्यम्। अतः माने इसलिए ही सर्वैः सभी लोगों के द्वारा ही भी माने सभी के द्वारा सर्वदा माने हमेशा सर्वभावेन सर्वभावेन माने पूरी तरह से अहिंसा धर्मः पालनीयः अहिंसा के धर्म का पालन करना चाहिए, अहिंसक बनना चाहिए। लोकस्य च कल्याणम कर्तव्यम और लोक का कल्याण करना चाहिए, संसार की उन्नति करनी चाहिए। ठीक, परंतु ये जो अहिंसा की बात कही है मैं आपको थोड़ा सा 2-3 मिनट में क्लियर कर देता हूं। ये अहिंसा की बात सभी लोगों के लिए कह दी है सामान्य रूप से, परंतु जहाँ शासन की बात आती है या राजा के कर्तव्यों की बात आती है या देश के कर्तव्यों की बात आती है, वहां पर इस अहिंसा के साथ नीतियों का भी ध्यान रखना होता है। क्या, जब देश की बात आती है, शासन की बात आती है, ठीक है, राष्ट्र की बात आती है, इस अहिंसा के साथ साथ जो हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों का भी ध्यान रखना होता है। उन नीतियों को लेकर के अहिंसा के साथ में राजा को पालन करना होता है। ध्यान देंगे, मध्यकाल एक ऐसा समय आया कि अहिंसा को नीतियों से अलग कर दिया। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने जो नीतियां बनाई देश की रक्षा, समाज की रक्षा के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए, उन नीतियों को पूरी तरह से भुला दिया गया, केवल अहिंसा को याद रखा गया। इसलिए थोड़ी सी कुछ कठिनाइयां आई मध्यकाल में। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप साधु हैं, संत हैं, आचार्य हैं, आपका ऐसा ही उपदेश होना चाहिए, अहिंसा का उपदेश होना चाहिए। परंतु आप किसी राजा की पदवी पर बैठे हुए हैं, किसी राष्ट्र की बागडोर को थामे हुए हैं, किसी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, किसी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपको
अहिंसा के साथ में नीतियों का भी ध्यान रखना होगा। चलिएगा, आप सभी के साथ अपनी बातों को शेयर करते हुए आनंद आ रहा है, परंतु अंत में आपसे मैं यही कहूंगा कि आप अहिंसा का पालन करें। आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, मैं जानता हूं, आप किसी देश के मंत्री नहीं हैं, आप एक शिक्षक हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप इस प्रकार के लोग हैं, इसलिए आपको अपने जीवन में 100% अहिंसा का पालन करना चाहिए, तभी आपका जीवन सुखमय हो। चलिएगा, आगे के निबंध में मिलते हैं मित्रों। आगे का हमारा निबंध है परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकार के लिए ही श्रेष्ठ लोग होते हैं संसार। आपको यदि यह बातें अच्छी लगती हैं, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारा सहयोग कीजिएगा। हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अच्छा कार्य करना चाहते हैं, समाज को जागरूक बनाना चाहते हैं, सही बातों को बता करके, शास्त्रों की बातों को बता करके, आचार्यों की बातों को बता करके। चलिए, सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।